एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकते, एक आम आदमी हमारे विधायक बन सकते, और एक मछली बेचने वाला एक दिल्ली के डायरेक्टर बन सकते। इतिहास में ऐसे पहली बार हुए कि वहां डायरेक्टर भी चुनाव जीत के आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, आदरणीय श्री मोहन अग्रवाल जी, हम लोग वहां के डायरेक्टर बनाए। बिल्कुल, आज हम घूम घूम के पूरा छत्तीसगढ़ में घोषणा समिति का हमको जो सदस्य बनाया, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो अंतिम पंक्ति के व्यक्ति, अंतिम पंक्ति के समाज के व्यक्ति को, रामकृष्ण धीवर को, जो एक जीत और हार का फैसला करने वाला, ऐसे समिति में रामकृष्ण धीवर को लिया गया भारतीय जनता पार्टी की समिति में। तो मैं सबसे पहले हम अनुसूचित जनजाति के लिए और हमारे परंपरागत मछुआरों के लिए, रोजी रोटी के लिए हम ये बात रखेंगे और अच्छा ताकतपूर्वक बात रखेंगे। मंत्री को तो आज हमारे मछुआरा समाज के यहाँ बैठक हो रहा है करके पता चला, तो आज हमारे मछुआरा समाज के लोगों को भी आमंत्रित करके, आहूत करके बुलाए हैं सर, ऐसा मेरे जानकारी में सुनाई हुआ मिला है मेरे को। लेकिन मेरे को समझ में आ रहा है कि आज हमारे मछुआरा समाज से मंत्री जी इतना भयभीत है कि वो 5 साल मंत्री रहने के बाद आज, जबकि मान लो पहले हमने अपनी 21 लोग का दावेदारी की घोषणा करवा दिए हैं, तो आज जो आचार संहिता लगने के बाद भी अगर घोषणा होता तो भी विरोध होता है, पहले भी विरोध हो रहा है, सब विरोध ठीक किया जा सकता है, उसमें कौन सा बड़ी बात है। सब हमारे भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। अब इतना कहना तो मैं छोटे मुंह बड़ी बात कहूँगा, लेकिन इतना है कि सरकार बनाएंगे आदरणीय नरेंद्र जी के, मोदी जी के नेतृत्व में, और उसको ही फोकस करके हम सरकार बनाएंगे। और ये एक भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा पार्टी है जो गरीब तबके को सबका साथ सबका विकास, 9 साल बेमिसाल, ये आज ये गरीब तबके के लोगों को, ये छोटे से छोटे के लोगों को ध्यान देते हैं। आज के द्वारा चुनाव समिति घोषणा चुनाव समिति का बनाया गया है, जिसके माध्यम से हर वर्ग के पास जाकर चर्चा परिचर्चा किया जा रहा है, ताकि सभी समाज सभी वर्गों के लिए हित के लिए कुछ कार्य कर सके ये प्रदेश सरकार। और निश्चित ही जब आज हम सब सभी समाज वर्ग से आज बैठ रहे हैं, तो उसमें आज मछुआरा समाज के साथ आज बैठक हुई, जिसमें काफ़ी रोष हम सबको सुनने को मिला कि किस प्रकार से मछुआरा समाज के साथ अन्याय और अत्याचार ये कांग्रेस पार्टी की सरकार जो कर रही है, उनके हक अधिकार को छीनने का काम कर रही है। बहुत सारे जो उनके लाभ के लिए जो नियम कानून और उनके लिए योजना जो पिछली सरकार के द्वारा बनाई गई थी, जिसको विलोपित करने का, उसे हटाने का कार्य हमारे कांग्रेस पार्टी की सरकार के द्वारा किया जा रहा है, तो उनके द्वारा बहुत सारे सुझाव दिए गए हैं। और हमारी भारतीय जनता पार्टी सबको साथ, सबका साथ और सबका विकास का कार्य करती है और सबको साथ लेकर चलती है। तो निश्चित ही हम समाज को विश्वास दिलाते हैं कि हमारी सरकार जैसे ही बनेगी, उनका जो योजना है, उनके लिए जो लाभदायक योजना है, उनको लागू किया जाएगा और उनको भविष्य में लाभ दिया जाएगा। और इससे एक चीज़ से आप सब समझ सकते हैं, एक उदाहरण से, कि हमारे निषाद समाज से ही, हमारे धीवर समाज से ही, मछुआरा समाज से ही हमारे रामकृष्ण धीवर जी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा डायरेक्टर के पद से सम्मानित किया गया है भारत देश के सरकार में। तो इसी से समझ में आता है किस प्रकार ये हमारी जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है, जो पार्टी है, वो सर्व समाज को लेकर चलती है। तो आने वाले समय में निश्चित ही सबके उन्नति और विकास। ये चुनाव घोषणा समिति हार और जीत के फैसला करेगी आने वाले समय में। तुम्हारे मछुआरे के लेकर ले है ये भारतीय जनता पार्टी। तो आप मन वैसे सब युवा साथी, भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा समिति बनाए हैं, उसके सदस्य और पदाधिकारी कहीं ना कहीं अभी लगातार आरंग आए हैं, और आरंग के अलग अलग जो है समाज वर्ग के साथ बैठ रहे हैं कि उनको क्या व्यवहारिक दिक्कत आ रहा है, और उनसे मांग कर रहे हैं कि भाई आप अपना सुझाव दीजिए, सुझाव पेटी में डालिए, ताकि हम जब घोषणा पत्र बनाएंगे तो आपके इच्छा के अनुसार से ये घोषणा पत्र बनेगा। हमारी सरकार आएगी भारतीय जनता पार्टी की, तो ये घोषणा पत्र में जो आप सब ने सुझाव दिए होंगे, उनको हम लागू करेंगे, नीतिगत नियम बनाकर उसको लागू करेंगे, ये हमारी प्राथमिकता होगी। जीतेगा वही जीतेगा, जीतेगा वही जीतेगा, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद।